हम व्यंजन में च अक्षर लिखने वाले हैं। तो च अक्षर किस प्रकार लिखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के बीच में हम एक छोटी सी आड़ी रेखा खींचेंगे, इस प्रकार वापस पीछे की तरफ आएंगे, नीचे से गोल घुमाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, वापस इसी रेखा के ऊपर ऊपर नीचे की तरफ आएंगे इस प्रकार, और ऊपर आड़ी रेखा खींच के बोलेंगे हम च। फिर से देखते हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक आड़ी रेखा छोटी सी, वापस पीछे की तरफ आएंगे, ऐसे नीचे से गोल घुमाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, वापस इसी रेखा के ऊपर नीचे की तरफ आएंगे और छोटी सी रेखा खींच के बोलेंगे च। इसे मिलता है हैप्पी फेस, कितना सुंदर है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें इस तरह नहीं लिखना है। ये जो दोनों रेखाओं के बीच में आड़ी रेखा है, ये इतनी लंबी नहीं लिखनी। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये गलत है। इसे मिला सैड फेस, क्योंकि ये रेखा आपने बहुत ज़्यादा लंबी बनाई है। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो भी गलत है। यहाँ पे एक आड़ी रेखा, फिर यहीं से आपने नीचे से गोल घुमा दिया और ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आए, इसके ऊपर खड़ी रेखा। अगर आपने यहाँ से पीछे की तरफ नहीं आए हैं तो ये गलत है। इसे मिलता है सैड फेस, आपको इतना चलकर वापस पीछे की तरफ आके ऐसे गोल बनाना है। हमें लिखना किस तरह है, इस प्रकार छोटी सी रेखा, फिर वापस पीछे की तरफ आए, गोल घूमे, ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आए और छोटी सी ऊपर आड़ी रेखा, और इसे बोलेंगे च। से मिला हैप्पी फेस। तो देखा च लिखना कितना आसान है।